नमस्कार, अर्थ प्रकाश टीवी पर आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। आज की मुख्य खबर वैसे तो आपको पता ही है और सुबह से सभी चैनल्स पर सभी जगह पर इसी खबर का बोलबाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पूरे देश के साथ रूबरू हुए। जब भी वो देश के साथ बातचीत करते हैं, जब भी इसी तरह का कोई उनका स्पेशल टेलीकास्ट रहता है, तो निश्चित तौर पर कोई बड़ी वो खबर देते हैं, कोई बड़ा धमाका करते हैं। कुछ ऐसा ही आज भी उन्होंने किया। हालांकि इसकी उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह के हालात बन रहे थे पिछले दिनों में, लग रहा था कि कहीं ना कहीं सरकार जो है, ये जो तीन कानून, कृषि कानून जिनको पारित किया गया था पहले ऑर्डिनेंस के जरिए और उसके बाद फिर लोकसभा संसद में, वो जो है वो सरकार की गले की फांस बन गए हैं और सरकार कहीं ना कहीं यहां उसको समझौता करना पड़ेगा। हालांकि इस सरकार की जो छवि है वो एक जो है बहुत ही निर्णायक और फैसला लेने वाली एक सरकार की छवि है और अपने फैसलों से ना पलटने वाली सरकार की छवि है, लेकिन ऐसे कई मामले हुए हैं जहां पर सरकार ने अपने फैसलों को वापस लिया है और आज भी ऐसा ही हुआ। आखिरकार प्रधानमंत्री ने आज बाकायदा टेलीविजन पर आकर ये ऐलान किया कि तीन कानून जो पारित किए गए थे सितंबर 2020 में संसद में, उन तीनों कानूनों को रद्द किया जाता है और अब ये कानून दोबारा से इनके ऊपर चर्चा लोकसभा और राज्यसभा में होगी और वहां पर बाकायदा प्रस्ताव लाया जाएगा इनको रद्द करने का और संसद में इनको रद्द कर दिया जाएगा। और अब 29 नवंबर से जो विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है संसद का, उसमें ये कानून रद्द कर दिए जाएंगे। तो काफी ये पूरा मामला सबके सामने है, लेकिन एक बार मुझे लगता है कि हमें लगता है कि एक बार हम इसकी जो बैकग्राउंड है, किस तरह से ये शुरू हुआ और कैसे कैसे किन किन मरहलों से ये गुजरता हुआ आज के दिन तक पहुंचा, इसके बारे में ही आज हम चर्चा करें। इसी खबर के ऊपर आज हम बने रहना चाहते हैं और आपको ये बता दें कि ये जो तीन कानून थे, इनको सबसे पहले एक अध्यादेश के जरिए 5 जून 2020 को लागू किया गया था। और इसमें जो तीन कानून, हालांकि नाम इनके बड़े बहुत लंबे चौड़े और याद ना रहने वाले नाम हैं, जैसे कि पहले फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट है, जिसको अगर मोटे तौर पर समझा जाए तो उसमें ये बात समझ में आती है कि इस कानून के जरिए सरकार ने जो फार्मर्स का प्रोड्यूस था उसको सिर्फ एपीएमसी में ही बेचने की इजाजत नहीं बल्कि कहीं भी बेचने की इजाजत दे दी थी। और मकसद ये था कि किसानों को ज्यादा जो है वो बायर्स मिले, सिर्फ सरकार ही एक बायर उनकी ना रहे, अगर कहीं किसी निजी कंपनी को भी वो बेचना चाहते हैं तो वो बेच सके। लेकिन इस कानून का कड़ा विरोध हुआ, तो इसका मतलब था कि एपीएमसी के अलावा भी किसान जो है वो अपनी फसल को बेच सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा कानून जो था वो फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट था। इसके तहत किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की इजाजत थी, किसान अपने फसल को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसी बड़ी कंपनी को बेच सकते थे या जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर है उसको, जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है उसको बेच सकते थे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक कानून था। और इसके अलावा जो तीसरा कानून था वो उसमें अमेंडमेंट थी, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम जो कि बहुत पुराना कानून है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स थी जिसमें जो फार्म प्रोड्यूस है, जो किसानों की जो फसलें हैं, उनको एसेंशियल कमोडिटीज के बाहर कर दिया गया था ताकि उनको उनकी स्टॉकिंग की दिक्कत ना रहे। इसका भी किसानों ने विरोध किया था, उनका कहना था कि इससे होल्डिंग बढ़ेगी और जो होल्डर्स हैं, जो जमाखोर लोग हैं, उनको इसका फायदा होगा। तो ये तीन कानून थे जिनको लेकर लगातार किसानों का विरोध होता रहा। 26 नवंबर 2020 को बाकायदा इस आंदोलन की शुरुआत हुई और अब 2021 आ चुका है और नवंबर का महीना है। 26 नवंबर आने में अब सिर्फ एक सप्ताह बाकी रह गया, यानी कि एक साल से सिर्फ एक सप्ताह कम समय तक ये आंदोलन चला।
इस दौरान में सरकार के साथ करीब 13 बार या 14 बार किसान संगठनों की बातचीत भी हुई। इस बातचीत के दौरान कई तरह के प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिए गए, लेकिन किसान संगठनों का सिर्फ एक ही कहना था कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। उन्होंने ना सिर्फ इन कानूनों को वापस लेने के लिए अपना आंदोलन कर रखा था, इसके साथ साथ एक नई मांग भी जुड़ गई थी, और वो थी कि एमएसपी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को दिया जाता है, इसको एक कानूनी अधिकार बनाया जाए, कानूनन सरकार की जिम्मेवारी बने, या अगर इसको कोई बाहर का प्रोड्यूसर भी खरीद बाहर का व्यापारी भी अगर खरीदता है तो वो किसानों को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किया गया है उसके ऊपर ही खरीदे, अगर वो उस पर नहीं खरीदता है तो उस पर उसके लिए सजा का प्रावधान हो। तो ये मांग भी किसानों ने की हुई है। फिलहाल अभी जो प्रधानमंत्री ने आज ऐलान किया है उसमें इस मांग के लिए वैसे कोई बात नहीं कही गई है, हालांकि इशारा जरूर है। उनका ये कहना है कि एक कमेटी बनेगी जिसमें सरकार के प्रतिनिधि होंगे, जिसमें एग्रो इकोनॉमिस्ट होंगे, एग्रीकल्चरिस्ट होंगे, किसान होंगे, और उसके बाद जो वो तय करेंगे तब किसानों के लिए एक नई व्यवस्था लाई जाएगी। उसमें शायद हो सकता है कि एमएसपी को लेकर भी कुछ बात हो, लेकिन फिलहाल इसके बारे में कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आई है। लेकिन ये एक मांग है, और किसानों का ये कहना है, किसान नेताओं का ये कहना है कि वो अभी भी अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे, अभी भी वो सड़कों पर ही रहेंगे, लेकिन जब संसद में ये मामला आएगा और संसद में बाकायदा प्रस्ताव पास होगा उसके बाद वो अपना आंदोलन वापस करेंगे। इसके साथ साथ किसान ये मांग अभी भी कर रहे हैं, अभी भी इस मांग पर अड़े हुए हैं कि एमएसपी को एक कानूनी अधिकार बनाया जाए। तो ये मसला अभी चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकार ने इतना समय क्यों लिया। अगर यही सब करना था तो सरकार ये बात आज से काफी समय पहले भी कर सकती थी। इस बीच में हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जून में निर्णय आ गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनके लागू होने पर, इन तीनों कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी थी, लेकिन किसान उससे भी संतुष्ट नहीं हुए थे, और उसके बावजूद भी ये हड़ताल अब तक जारी रही। सरकार के पास उसके बाद भी मौका था कि वो इन कानूनों को वापस ले ले, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर भी इसको वापस लिया जा सकता था, लेकिन नहीं लिया गया। लेकिन अब क्या वजह है कि इस वक्त सरकार जो है वो इन कानूनों को वापस ले रही है, उसकी सीधी और साफ वजह तो यही नजर आ रही है कि अब चुनाव जो है वो बिल्कुल सिर पर है, खासतौर पर पंजाब के चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव, क्योंकि इस आंदोलन का मुख्य रूप से प्रभाव सिर्फ हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके पर ही नजर आया। हालांकि किसान संगठनों का कहना है कि ये आंदोलन देशव्यापी था, लेकिन ये बात सही नहीं होगी। हर कोई जानता है कि इस आंदोलन की जो पूरी एकाग्रता थी, जो पूरी की पूरी जो ताकत थी, वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके तक ही सीमित थी। बाकी किसान संगठन निश्चित तौर पर आया जरूर करते थे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में किसान दूसरे प्रदेशों से इकट्ठे नहीं हुए, और ना ही उन प्रदेशों में कोई बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। तो कुल मिलाकर ये आंदोलन सिर्फ इसी इलाके का था, और अब चुनाव भी इन्हीं राज्यों में होने वाले हैं। पंजाब में ये चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश में ये चुनाव होने वाला है, और माना जा रहा है कि इन दोनों चुनावों में, और खासतौर पर अभी जो हाल ही में जो उपचुनाव हुए और उसमें जो नतीजे आए, उसके बाद से निश्चित तौर पर सरकार को इस पूरे मामले पर एक बार दोबारा से नजर दौड़ाने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार ने इसको दोबारा फिर गंभीरता से सोचा, और आखिरकार ये फैसला लिया गया है कि अब ये कानून वापस ले लिए गए हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार की जो छवि बनी हुई है वो एक मजबूत इरादे वाली सरकार की छवि बनी हुई है, जो कड़े फैसले लेने कदम रखती है, कड़े फैसले लेने कदम भरती है। लेकिन जिस तरह से इस कानून को वापस लिया गया है, सरकार की छवि पर भी इसका प्रभाव नजर आएगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि मोदी सरकार ने किसी कानून में पांव पीछे खींचे हैं। आपको याद होगा कि 2015 में
जो लैंड एक्विजिशन बिल था, जो भूमि अधिग्रहण बिल था, उसमें जो अमेंडमेंट सरकार लाना चाहती थी, जो 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून बनाया गया था, उसमें भी संशोधन सरकार करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई थी। हालांकि उस वक्त थोड़े हालात अलग थे, उस वक्त राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं था, लेकिन उस वक्त भी उन संशोधनों का कड़ा विरोध हुआ था। किसान जथेबंदियों ने भी उसका विरोध किया था, इसके साथ साथ अपोजिशन पार्टीज की तरफ से भी उसका कड़ा विरोध हुआ था, और आखिरकार सरकार को उस समय भी अपने पांव पीछे खींचने पड़े थे। और अब ये दोबारा सरकार को इस तरह से करना पड़ रहा है, इससे आने वाले समय में और मसलों पर क्या असर होगा ये अभी देखना होगा। हाल ही में एनआरसी और सीएए को लेकर भी काफी लंबा आंदोलन छिड़ा, हालांकि कोरोना की वजह से वो आंदोलन बीच में ही रह गया। इस तरह के और भी कई मसले हैं जो दोबारा से सिर उठा सकते हैं। देखना ये होगा कि सरकार अब आगे इस तरह के मसलों में कैसे निपटती है, और इस मामले में अब किसानों के बीच में और सरकार के बीच में किस तरह का रिश्ता रहता है वो अब देखना होगा। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना न भूलें।